नमस्कार, मैं नीरज झा, आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। कटिहार के बारसोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोविड गाइडलाइन का पालन करने के कचरा ओपी के भीड़ ने हमला करने का एक मामला सामने आया है। यह घटना बिघोर हाट की है, जहां पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया है। कटिहार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की माने तो 40 लोगों पर चिन्हित कर 20 लोगों पर अज्ञात FIR किया गया है। कटिहार से रतन कुमार के साथ नीरज झा, कटिहार। बिहार के कटिहार में उग्र भीड़ से पुलिस पेट्रोलिंग टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। कोविड गाइडलाइन को पालन कराने बारसोई अनुमंडल के विघोर हाट बाजार पहुंची थी कचना ओपी की पुलिस टीम। सैकड़ों की तादाद में भीड़ ने किया पुलिस टीम पर हमला। निर्धारित समय के बाद भी हाट बाजार खुला, कोविड गाइडलाइन को भीड़ कर रही थी नज़रअंदाज। SP विकास कुमार ने कहा, कुछ लोगों के उकसावे पर पुलिस को भीड़ के विरोध का करना पड़ा था सामना। हाट बाजार की उग्र भीड़ का विरोध देख वापस लौट पड़ी थी पुलिस। शुक्रवार की हटिया में सैकड़ों की भीड़ हुई थी जमा। भीड़ को उकसाने वाले 40 चिन्हित लोग के साथ 200 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुई है प्राथमिकी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर होगी कार्रवाई। बिघोर हाट में दिनांक 30 अप्रैल को स्थानीय पुलिस प्रशासन को यह सूचना मिली थी कि शुक्रवार का हटिया लगा हुआ है। उक्त सूचना के आलोक में कचना की पुलिस टीम वहां गई थी लोगों को बताने, और निर्धारित समय के उपरांत बाजार न लगाने का निर्देश देने के लिए। लेकिन इस बीच वहां काफ़ी संख्या में लोग बाजार में जुटे हुए थे और कुछ लोगों के द्वारा उकसावा दिया गया, जिसके बाद से लोगों ने पुलिस का विरोध कर दिया और उसके बाद पुलिस को वहां से वापस लौटना पड़ा है। इस संबंध में बारसोई थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है, 40 नामजद और अन्य 200 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।